37 व 39 कृषि एवं पशुपालन पर बोलने का आपने मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, हमारा जिला श्री गंगानगर हनुमानगढ़ कृषि प्रधान जिले के रूप में जाने जाते हैं। इन दोनों जिलों में खेती के अलावा कोई जीवन यापन का साधन नहीं है। हमारे जिले में किसी भी प्रकार का उद्योग धंधे नहीं है, सभी किसान मजदूर व्यापारी कृषि पर निर्भर हैं। सभापति महोदय, पिछले 2 सालों से विधानसभा रायसिंहनगर में इस कांग्रेस सरकार के शासनकाल में डिगों का कोई लक्ष्य आवंटित नहीं किया गया। लगभग 2000 किसानों द्वारा पत्रावलियां ऑनलाइन करवाई गई हैं, परंतु विभाग द्वारा स्वीकृति जारी नहीं होने के कारण किसान डिगियों का निर्माण नहीं करवा पा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 में केवल अनुसूचित जाति वर्ग की मात्र 24 डिगियों का लक्ष्य आवंटित किया गया था, जो कि बहुत कम है। वर्ष 2021-22 में कम से कम 3000 डिग्गियों का लक्ष्य आवंटित करने की व्यवस्था की जाए। कृषि विभाग द्वारा पाइपलाइन पर पीवीसी पाइप 35 रुपये प्रति एचडीपीएफ पाइप 50 रुपये प्रति मीटर अधिकतम 15000 का अनुदान दिया जाता है। अधिक दूरी तक पाइप ले जाने वाले किसानों को पूरा अनुदान नहीं मिल पाता, इसलिए पाइपलाइन ले जाने वाले किसानों को अधिकतम सीमा कम से कम 3000 मीटर किया जाए और पीवीसी व एचडीपीएफ पाइपों पर अनुदान लागत के अनुसार बढ़ाया जावे, ताकि किसान अधिक से अधिक लाभान्वित हो सकें। इससे जल की भी बचत होगी। मेरे विधानसभा क्षेत्र में बहुत से काले खाड़े कच्चे हैं या फिर बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं। इसमें पानी की छिजत बहुत ज़्यादा होती है। कच्चे पड़े खालों को पक्का किया जावे एवं जो खाले जर्जर हो चुके हैं उन सब का सर्वे करवाकर एक साथ नकारा घोषित कर सभी खालों को पक्का किया जाए एवं किसानों द्वारा बनाई जाने वाली डिग्गियों पर अनुदान राशि भी बढ़ाकर शत प्रतिशत की जाए। विधानसभा क्षेत्र रायसिंहनगर में 2 वर्ष पूर्व विभाग द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत पर एक एक कस्टम हायरिंग सेंटर दिया जा रहा था, परंतु पिछले 2 वर्ष में कस्टम हायरिंग सेंटर पर अनुदान नहीं दिया जा रहा है। कस्टम हायरिंग सेंटर पर पुनः अनुदान की प्रक्रिया चालू की जावे, ताकि अधिक से अधिक किसानों को लाभ मिल सके। किसानों को सौर ऊर्जा कनेक्शन अधिक से अधिक दिए जावें। पिछले 2 वर्षों में किसानों द्वारा की गई ऑनलाइन पत्रावलियों की स्वीकृति जारी नहीं होने के कारण कृषक सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जिन किसानों ने विद्युत विभाग से कृषि कनेक्शन अप्लाई किए थे वर्ष 2000 के बाद वाले किसानों को आज तक कृषि कनेक्शन नहीं दिए गए हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं, किसानों के कृषि कनेक्शनों पर लगी रोक को तुरंत हटाकर प्रदेश के सभी किसानों को कृषि कनेक्शन दिए जाएं। बरसात के मौसम में किसानों को अपनी फसलों को ढकने के लिए मूवेबल थ्रेसिंग फ्लोर, स्थानीय भाषा में जिसे तिरपाल कहा जाता है, अधिक से अधिक दिए जावें, ताकि बरसात के समय किसानों की फसलों को खराब होने से बचाया जा सके। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं, किसानों की संपूर्ण कर्जा माफ़ी की जावे एवं प्रदेश के प्रत्येक किसान एवं मजदूर को वृद्धावस्था पेंशन देने की योजना शुरू की जाए। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से ये भी मांग करता हूं कि किसानों के कृषि यंत्रों पर 80% अनुदान दिया जावे, किसानों को अंतर्राज्य भ्रमण करवाया जावे, कृषि की उन्नत तकनीक की जानकारी दी जावे। अनपढ़ किसान खेती को देखकर ही सीखते हैं कि वर्तमान में अंतर्राज्य कृषि भ्रमण योजना तो है मगर लागू नहीं होती। कृषि विभाग में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि भी बढ़ाई जाए। किसानों को प्रमाणित व उन्नत किस्म के बीज निःशुल्क दिए जाएं, ताकि गरीब किसान उन्नत किस्म की बीज बोकर बढ़िया उत्पादन ले सके। किसानों को रोज व आवारा पशुओं से अपनी फसल को बचाने के लिए तारबंदी करने के लिए शत प्रतिशत अनुदान दिया जावे। पर्यावरण व उपभोक्ता के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए कृषि में रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों के अंधाधुंध प्रयोग को कम करने के लिए जैविक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जावे एवं इस पर 100% सहायता राशि दी जावे। जैविक खेती करने वाले किसानों को पुरस्कृत भी किया जाए। किसानों को खेत की मेड़ पर या खेत में कम या सघन घनत्व के वृक्षारोपण करने एवं नर्सरी विकास, छोटी नर्सरी, बड़ी नर्सरी, हाईटेक नर्सरी पर इकाई लागत पर 100% अनुदान दिया जाए। हमारे श्री गंगानगर जिला कृषि प्रधान जिला है,
इस जिले में कृषि महाविद्यालय खोलने की महती आवश्यकता है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से श्री गंगानगर जिले में कृषि महाविद्यालय खोलने की मांग करता हूँ। हमारा गंगानगर जिला किन्नू उत्पादन के लिए मशहूर जिला है। मैं गंगानगर जिले में किन्नू का प्रोसेसिंग प्लांट लगाए जाने की सरकार से मांग करता हूँ। मेरी विधानसभा रायसिंहनगर मंडी में एफसीआई का खरीद केंद्र नहीं है। इससे किसानों को अपना गेहूं बेचने के लिए कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बारदाना समय पर नहीं मिलता, किसानों को गेहूं की फसल का भुगतान समय पर नहीं मिलता। अतः सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से रायसिंहनगर में एफसीआई का खरीद केंद्र शुरू करने की मांग करता हूं। मंत्री महोदय यहाँ बैठे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि रायसिंहनगर में एफसीआई का खरीद केंद्र शुरू करने करवाया जाए। सभापति महोदय, प्रदेश में पशुपालकों के पशुधन की सुरक्षा के लिए निःशुल्क बीमा योजना लागू की जाए। प्रदेश में भारतीय नस्ल की गायों को पालने के लिए प्रोत्साहित कर एवं इनके ऊपर अतिरिक्त अनुदान देकर डेयरी फार्म खुलवाए जाएं। प्रत्येक पंचायत समिति पर नंदीशाला खोलने की सरकार द्वारा की गई घोषणा अनुसार शीघ्र ही प्रत्येक सभा पंचायत समिति में नंदीशाला खोली जाए। पशुओं की नस्ल सुधार एवं दुग्ध उत्पादन बढ़ाने हेतु नई व आधुनिक तकनीक प्रशिक्षण शिविर लगाए जाएं। बेरोजगार एवं छोटे किसानों को मुर्गी मछली व सूर पालन के लिए प्रशिक्षित किया जाए। बेरोजगार युवकों एवं सीमांत किसानों को मछली पालन, मुर्गी पालन एवं सूर पालन हेतु 100% अनुदान देकर छोटे छोटे फार्म खुलवाए जाएं, ताकि बेरोजगार को रोजगार मिल सके एवं गरीब किसानों को आमदनी में बढ़ोतरी हो सके। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री रूपाराम जी। सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ सदन का समय मांग संख्या 37 कृषि, मांग संख्या 39